और तू ये कहता है तू सही नहीं है, तू असली बाप का बेटा नहीं है, तेरा खानदान जो है वो सही नहीं है कि तू ऐसे फालतू बात करता है। महिला देखता हूं कि ये फालतू फालतू ये घर का आवारा ये गाली दे करके तू आगे बढ़ेगा। हा? तेरा माँ बहन गाली देने से तेरा ख्याल बढ़ता है, तू तो महा निचला आदमी है। भैया जहाँ पे आप सही रहते थे वहाँ पे आपके पक्ष में बोलते थे ना, जहाँ पे खेसारी लाल यादव जी गलत रहते थे वहाँ पे उनके खिलाफ बोलते थे ना, इसका मतलब थोड़े है खेसारी लाल भैया हमारे दुश्मन है। और खेसारी जी का नाम आया है तो उनकी बॉडी के हिसाब से इस भोजपुरी दुनिया में खेसारी लाल यादव की जी की जैसे बॉडी किसी की नहीं है, फिजिक किसी की नहीं है। मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, तो भोजपुरी दुनिया में खेसारी लाल यादव की जी की जैसे बॉडी किसी की नहीं है, फिजिक किसी की नहीं है। मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, तो कभी प्रमोद प्रेमी को, कभी खेसारी लाल यादव को, कभी टुनटुन यादव को, कभी तूफान लाल यादव, कभी संतोष यादव को, यहाँ तक कि आप जब बोलते हैं कि पूरे कौम की जब आप बात करते हैं तो कल्लू जी ने तो यहाँ पे गाया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तो फिर ये दोहरी राजनीति जो है ये मैंने ऐसा करके प्लानिंग किया गया है कि यादव के कलाकार आज बुलंदी पे हैं, तो किस तरीके से ऐसा करके जब संतोष रेणु को ऐसा किया तो जाहिर सी बात है कि जे सही बात है, कोई को जैसे उन लोगों का प्लानिंग हो कि और भी जो यादव के कलाकार हैं वो डिमोरलाइज हो जाए, डर जाए। सही बात, तो हम लोग डरने वालों में से नहीं है और हमको आज बड़ा अच्छा लगा कि हमें उस जगह पे रखा गया है जहाँ पे हमारे कुल भगवान दादा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो इन सलाखों के पीछे भी हम लोग दहाड़ते रहेंगे और हम लोग आवाज बनते रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने समाज के पूर्वजों के लिए, उनकी मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और हाँ, सबका सम्मान करेंगे, सम्मान में किन्हीं की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बदले में हमें भी सम्मान चाहिए, उसके बदले में हमें भी वो प्रतिष्ठा चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर आप बेइज्जती करेंगे, मान सम्मान में ठेस पहुंचाएंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी पूरा यदुवंशी मेरे समाज हैं, आप सब धैर्य का पालन करें और बस जागे रहना है। देखिए इन लोगों की जो साजिश है वो कहाँ तक चलती है। और एक बात स्पष्ट, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का मैं वो स्वर्ण से आही, तदा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ, हाँ मैं यादव हूँ, हाँ मैं यादव हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय, एकजुट रहेंगे तो फिर दूसर के उसे ना हमने की कही कि हमारे भाषा के बारे में बोला लाओ तो वहाँ आदमी सीना अड़का के बोलेगा किसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का। तो जब हमने के अपने इंडस्ट्री में बानी जाए और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं, ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया, भोजपुरी मेरी माँ है। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। आज भी एक जाना कि हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरों ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता और तोहके गुदगुदी आवता कि आ हा हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के, ठीक है बेटा, तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उस जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। तुम भी नाटक करोगे तो उस नाटक के बदौलत कम से कम 2-4-10 लोगों का भला तो हो जाएगा, तो तुम भी नाटक करो। और वो नाटक शुरू हो गया है, अब सब लोग भाई सामग्री बांटना शुरू कर दिए आज के डेट में, सब लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिए हैं, गोद लेने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद ले लेते हैं, अब उनको क्या कहिएगा भाई। अगर हाँ है, यहाँ धरती पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं,
जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो खुद ही उनको गोद लेता है। तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, मैं असहाय लोगों को गोद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो खेसारी को तुम गाली दे दो मेरे गोद में बैठ जाओ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, किसी को गोद ले रहा है ना आदमी, कम से कम वो विचारधारा तो दिमाग में आया कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नाजायज करता है लेकिन आप गोद में तो ले रहे हो। तो यहाँ पत्थर साधु पे ही चलता है, कोई क्रिमिनल पे नहीं चलता है। तो अच्छा बात है ना कि मैं उस विचारधारा में हूँ, कम से कम सर कुछ तो कर रहा है वो मेरे लिए, अपना काम छोड़ के। आप इसको आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूछना चाहिए, मुझे उसको तो पूछना चाहिए, इसलिए पूछना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर। तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ ही लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग है वो, उनके विचारधारा में मैं नहीं आता, तो शायद वो मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे, अच्छी बात है, कहां बुरा है, मैं किसी की बातों को बुरा मानता ही नहीं।